गाइस गुड मॉर्निंग। सिर्फ 3 दिन मेरे कहने पर इस चीज को अपने चेहरे पर लगा लीजिए। आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन है, सनबर्न है, गर्मी से आए हुए छोटे छोटे दाने हैं या फिर पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं, इनफैक्ट अगर आपके ओपन पोर्स की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपके ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे, आपकी स्किन इतनी स्मूथ और इतनी क्लियर हो जाएगी ना कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इनफैक्ट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको अपने फेस से रिलेटेड एटलीस्ट कोई और वीडियो फॉलो ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है लगाना और सिर्फ 3 दिन में उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो देरी किस बात की यार, फटाफट से जान लेते हैं कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। 3 डेज चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लेना और जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और जो आपकी स्किन पर बेहतरीन वाला रिजल्ट आएगा वो शेयर करना मत भूलना। गाइस आज का ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक आलू। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसका छिलका आपको नहीं उतारना, क्योंकि अगर आप इसका छिलका उतारेंगे तो जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे, इसलिए इसको हम ऐसे ही कद्दूकस करेंगे छिलके के साथ ही। आलू में नेचुरली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके जो हेयर्स होते हैं उनको नेचुरली ब्लीच करता है, आपको ब्लीच करवाने की जरूरत नहीं। और साथ में अगर आपके पुराने से पुराने झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने है, इनफैक्ट कितनी भी ज्यादा सनबर्न हो चुकी है, आपकी स्किन झुलस भी चुकी है ना, तो अगर आप इस आलू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन एकदम निखर जाएगी और हर पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे जब ये वीडियो आप फॉलो करेंगे, तो उसके बाद रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद इसका हम जूस निकाल लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आप इसको कद्दूकस करेंगे रेमेडी को, तो आपको बना के नहीं रखना, इमीडिएटली इसका यूज करना है। पटाटो जूस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी, आपको बाहर की कोई भी क्रीम यूज करनी ही नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा आपके फेस पर। इस तरीके से आप अच्छे से इसको प्रेस करके इसका जूस निकाल लीजिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ऑरेंज जूस। आप देख सकते हो ये मैंने कांच की बोतल में काफी सारा स्टोर कर रखा है, तो ये मैं रात को सोने से पहले डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। विटामिन सी सीरम है ये, और ये जो सीरम है ना, ये आपके मार्केट में मिलने वाले कोई भी सीरम से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये आपके सारे पिगमेंटेशन को, आपके पिंपल एक्ने मार्क्स को, आपकी अनइवन स्किन को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। आपको कांच की शीशी में ही स्टोर करना है, ध्यान रखिएगा अगर आप भी निकालना चाहें तो बहुत इफेक्टिव है ये। आप इसमें 3 स्पून तक आप इसमें ऐड कर लीजिए। मैं आपको इसमें ट्रांसफर करके दिखाता हूँ कि आपको इजीली अच्छे से दिख जाए। अब इसमें हम डालेंगे एक पूरा लेमन, हम इसमें स्क्वीज करेंगे। आप इसमें पूरा लेमन स्क्वीज कर दीजिए। लेमन में क्या होता है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह आपके काम करता है, स्किन पे जितने भी आपके पिंपल एक्ने हैं उनको रिड्यूस करेगा, आपको सनबर्न से राहत दिलाएगा। ये तीनों इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं और आपको रोज बनाने का झंझट नहीं, क्योंकि आप इसको 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसको एक ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको पीना नहीं है, इसको हमें रेडी करना है, इसकी आइस क्यूब बनानी है। ये अब आइस ट्रे लेंगे और इसमें हम इसको फिल कर देंगे। ये क्या करेगा, अब आइसिंग हमारे फेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको आइस क्यूब बनाने के लिए क्यों कह रही हूँ। एक तो आपको रोज बनाने का झंझट नहीं, आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है आप एक दिन तो रेमेडी फॉलो करते हैं और उसके बाद में आप आलस कर जाएंगे। एक तो क्या होता है, जब आइस हम रब करते हैं अपनी स्किन पर तो हमारी ये एजिंग को स्लो डाउन करता है। आपकी स्किन जो अगर लटक गई है ना फेस की, उसको ये टाइट करेगा, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा। इनफैक्ट अगर कहीं बाहर से धूप से आ रहे हैं तो उसके 15 मिनट बाद, एकदम से नहीं क्योंकि आपकी बॉडी में हीट होगा, ऊपर से आइस लगाएंगे तो कोल्ड हो जाएगा, उसके 15 मिनट बाद आप इसको अपने फेस पे या अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे इसको आप रब करोगे। अब इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फ्रीज करने के लिए रख दूंगी और इस आइस क्यूब को फिर हम यूज करेंगे। इसको मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिया है फ्रिज में। गाइस ये आइस क्यूब जो है वो प्रॉपर जम चुकी हैं और अब हम इसको रब करेंगे।
जब भी आप धूप से घर आए हैं और आपको पता है आपको पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, सनबर्न हो चुका है, या आपके जब गर्मी से छोटे छोटे दाने जो फेस पे हो जाते हैं वो प्रॉब्लम हो गई है, तो आपने क्या करना है, जैसे आप घर पर आए आधे घंटे बाद, इमीडिएटली नहीं, आधे घंटे बाद आपको इस आइस क्यूब को अपने पूरे फेस पे और जहां भी आपका बॉडी इफेक्ट हुआ है, टैन हुआ है या दानों की प्रॉब्लम है या ईचिंग या एलर्जी हो गई है, तो वहां पे आपको उसको रब करना है, ठीक है। ऐसा आपको हफ्ते में 3 से 4 बार करना है, और अगर आप रेगुलर बाहर जा रहे हैं तो आप रेगुलर इसका यूज कर सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि जो आपके बड़े बड़े पोर्स जो ओपन हो गए थे तो वो क्लॉक हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और साथ में आपके कितनी भी हाइपर पिगमेंटेशन है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट इतने अच्छे हैं जिसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा।